इस तरीके से किया है, देखिए इस तरीके से किया, ये देखिए साड़ी मैंने वेयर कर ली है। देखिए मेरी रेड कलर की साड़ी है, टू कलर की साड़ी है, ये देखिए टू कलर की साड़ी है मेरी, क्रीम कलर है रेड कलर, तो साड़ी मैंने वेयर कर ली है। ये मैंने मिडिल में मैंने पल्लू इस तरीके से कर लिया है, तो मिडिल में मैंने सेंटर में मैंने पल्लू रख लिया है नाभि के जस्ट सेंटर में। मुझे रिक्वेस्ट यही आई थी कि जस्ट नाभि के सेंटर में मुझे पल्लू रखना है, करना है अपना अल्ट्रा लो वेस्ट साड़ी में, और हेल्थी टक करके किस तरीके से करते हैं उसका वीडियो आज आपके साथ शेयर करना है। तो मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी है, तो मैंने रेड कलर का ही हैंकी लिया है, ये देखिए रेड कलर का ही हैंकी लिया है, और इसमें मैच करते हुए मैं जो है अपना जो मेरा ये कलर है स्किन कलर या फिर आप येलो कलर भी कह सकते हैं, तो उसका भी ये हैंकी है, दो हैंकी लिए हैं मैंने यहाँ पर। तो दोनों हैंकी को मैं टक्कर के बताऊंगी आपको, राइट साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी और मिडिल में भी। तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं ये वाले हैंकी को टक करती हूँ, ये देखिए साड़ी तो मैंने वेयर की हुई है, तो यह है हैंकी का राइट साइड। सबसे पहले नॉर्मल तरीके से टक करेंगे, ये देखिए इस कॉर्नर से हमको ये कॉर्नर इस तरीके से पकड़ना है। फ्रेंड्स वीडियो लेंदी हो जाएगी तो प्लीज़ स्किप मत करना, ये देखिए इस तरीके से। और अब मैं इसको यहाँ ये देखिए ऐसे किया है मैंने, और एक फोल्ड में इसको कॉल कर दूँगा। ये जो नीचे से इसकी झालर वाली पोर्शन है इसको मैं नीचे करूँगी, ये देखिए, और ये मैंने यहाँ पर हैंकी टक कर दिया। ये मैंने किया है लेफ्ट साइड में, और आप इसी को राइट साइड में भी कर सकते हैं। ये राइट साइड में कर दिया है मैंने, जिस तरह आपको सूटेबल लगे, इजी लगे, आप उस तरह कर सकते हैं। और मिडिल में तो उतना बेटर लगता नहीं है देखने में, बट मैं मिडिल में भी आपको करके दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई थी मिडिल में किस तरीके से करेंगे। तो ये देखिए तीनों साइड में आपको करके बता देती हूँ। इसमें हम हैंकी को हाइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने लो वेस्ट साड़ी पहनी है, और पल्ला जो है कितना लो वेस्ट साड़ी में मैंने इस तरीके का अपना पल्ले की प्लेट्स बनाई हुई है, तो इसमें हमारा हैंकी हाइट नहीं होगा, ये देखिए। और आप हमें तो ज़्यादा बेटर होगा। ये भी मेरा मैचिंग का हैंकी है, और ये जो मेरा रेड कलर का है ये भी इसमें मैच हो रहा है। तो ये मैंने आपको एक डिज़ाइन करके बता दिया, अब मैं आपको दूसरा डिज़ाइन करके बताऊंगी। तो नॉर्मल तरीके से ही हैंकी को मैं ओपन कर लेती हूँ, ये देखिए एक वन साइड फोल्ड किया दिया मैंने, और अब मैं इसको सेकंड टाइम में इस तरीके से फोल्ड करूँगी। ये मैंने कर दिया है सीधा, और ये देखिए इसका ये झालर वाला पोर्शन मैं नीचे करूँगी, और अब मैं इसको इस तरीके से राइट साइड में रखा, ये देखिए। अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरह लेफ्ट साइड में भी टक कर सकते हैं। और अब इसको मैं सेंटर में भी टक कर लेती हूँ, ये देखिए। तो आप बताना आपको कौन सा डिजाइन ज्यादा बेटर लगा। नेक्स्ट डिजाइन ये मैंने लिया है हैंकी, इसको यहाँ रखेंगे, क्योंकि मेरा हैंकी बड़ा है, आप छोटा भी ले सकते हैं। इस वाले पार्ट को यहाँ रखेंगे, ये देखिए, और इसको मैं अंदर करूँगी, और इस तरीके से इस वाले पोर्शन को मैं बाहर करूँगी, और अब मैं इसको यहाँ पर टक कर लूँगी। ये देखिए मैंने टक कर लिया है, और इसको मैं राइट साइड में भी आपको टक करके दिखाती हूँ, ये देखिए। अब ये जो है हैंकी मेरा बड़ा हो रहा है, तो मैं छोटा हैंकी ले लेती हूँ। देखिए मैंने छोटा हैंकी ले लिया है, इस तरीके का हैंकी लिया है, क्योंकि वो बड़ा हो जा रहा था। तो अब मैंने इस कलर का हैंकी ले लिया है, इसमें मैं आपको बताती हूँ हैंकी का लेफ्ट साइड को आगे करना है। ये पोर्शन यहाँ रखा मैंने, इसको यहाँ रखा, देखिए सेंटर में, और इस तरीके का मेरा डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और अब इसको बाहर करते हुए,
ये देखिए लग रहा है ना अच्छा, और ये कलर ज्यादा बेटर लग रहा है उससे। अब इसी को मैं आपको राइट साइड में भी टक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इसको मैंने राइट साइड में भी टक कर लिया और इसे आप मिडिल में भी टक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट करना है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में पकड़ना है। हम इसको ज्यादा फोल्ड नहीं करेंगे, इस वाले पोर्शन को, इस वाले कोने को हम अंदर डालेंगे। ये देखिए और इसी को मैं राइट साइड में भी आपको टक करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए नेक्स्ट डिजाइन देखिए, इसको मैं यहाँ से राउंड करते हुए लेके आऊंगी आधे तक और फिर इसको मैं यहाँ से राउंड करूंगी। अब इसको अंदर बंद कर लेते हैं। ये इस तरीके का मेरा एक डिजाइन बनके रेडी हो जाएगा और इसको मैं अंदर टक कर लूँ। ये देखिए इसी को मैं इस साइड भी आपको टक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए और अब हम कहीं गए हैं और हमने हैंकी को यूज कर लिया है, लाइक इस तरीके से हमने अपना पसीना पोंछ लिया है जो भी हमने करना है, और अब हैंकी को हमको फोल्ड नहीं करना है तो आप हैंकी को इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखिए ये किया हमने हैंकी को और जस्ट लाइक टक इट। देखिए ये भी बहुत बेटर है और बहुत अच्छा लगता है, ज्यादातर मैं यही करती हूँ। आपको सच बताऊं तो बहुत अच्छा लगता है हैंकी टक, ज्यादातर मैं यही करती हूँ। आपको सच बताऊं तो हैंकी टक किया कोई भी डिजाइन में अच्छे से प्रॉपर टक करके गए, कहीं चले गए लाइक मैरिज में या कहीं और, तो निकाला हैंकी को हमने यूज किया, पसीना पोंछना है या अपने हैंड जो भी हमने वाइप करने पोंछने पोंछे, उसके बाद अब इतना हमको वहां पर और नहीं रहता है कि हम फिर से इसका डिजाइन बनाएं और फिर से टक करें। तो नॉर्मल हैंकी को इस तरीके से हमको हिलाना है और इस तरीके से हमको इसको टक कर लेना है। ये देखिए कोई डिजाइन बनाने की आपको जरूरत भी नहीं है और अच्छा लगता है देखने में। ये देखिए हैंकी छोटा है तो बहुत अच्छा है हमारे, इस तरीके से विदाउट डिजाइन भी हमको एक डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, हम इससे हम एक डिजाइन बना सकते हैं। और नॉर्मल सेंटर में पकड़ा इस तरीके से किया, देखिए इस तरीके से करना है, इस तरीके से टक कर। ये देखिए बहुत ही इजी डिजाइन है, आप अच्छे से इसको बना सकते हो। ये देखिए ये ऐसे डिजाइन है, अगर आपने बच्चा भी पकड़ा है अपनी गोद में, आपके पास कुछ सामान है तब भी आप इसको क्रिएट कर सकते हो। इसको कोई इधर फोल्ड करना उधर फोल्ड करने की जरूरत आपको नहीं है, इस तरीके से आप कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको इजी डिजाइंस बता रही हूँ, ज्यादा हैवी डिजाइंस मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही। तो ये मैं इस तरीके से ये करूंगी सिंपल तरीके से, तीन फोल्ड करके ये छोटे से हैंकी को हमको फोल्ड नहीं करना है, इस बैक साइड को पीछे करना है, राइट साइड को आगे करना है और ये टक करना है। ये देखिए नाउ नेक्स्ट इसको मैं राइट साइड में भी आपको टक करके दिखा दूं, इस वाले हैंकी से भी करके बता देती हूँ डिजाइन। ये हैंकी भी बड़ा है मेरा, तो ये देखिए इसमें आप कैसे करोगे, एक कॉर्नर कोने को हमको इस तरीके से पकड़ना है, इसको मैं इस तरीके से लेकर आऊंगी, यहाँ पर इतना लेके आऊंगी छोड़ दूंगी और फिर यहाँ से भी मैं इसको ऐसे ही करूंगी। ये देखिए मैंने ऐसे कर लिया है, इसको दोनों को जॉइन करूंगी यहाँ पर और इसको पीछे कर लेती हूँ और ये देखिए एक डिजाइन मेरा क्रिएट हो गया है और इसको भी मैं यहाँ पर टक कर लेती हूँ। आपको बताना तीन हैंकी में से आपको कौन सा हैंकी सबसे अच्छा लगा, जो मेरी वीडियो को फुल वॉच करेगा वही बता पाएगा। एक है रेड कलर का, एक है पर्पल कलर, एक है रेड कलर का, एक है फिरोजी कलर का और है एक है येलो कलर का। तो ये देखिए ये मैंने इस तरफ टक किया और इसी को मैं आपको यहाँ पर टक करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए और सिंपल, अगर आपको कोई भी डिजाइन क्रिएट नहीं करना है फिर से अपने हैंकी को आप सेंटर में पकड़िए, इस तरीके से, इस तरीके से झाड़िए, ये देखिए इस तरीके से करिए और हैंकी को पकड़िए
जस्ट आपको यहाँ पर टक कर। ओके, तो निकाला, राइट साइड में टक कर लिया। ओके, तो निकाला, राइट साइड में टक कर लिया। ये देखिए, सेंटर में पकड़ा, इस तरीके से किया, ये देखिए, और टक कर दिया यहाँ। और यहाँ से निकाला, वो राइट साइड में टक कर। तो फ्रेंड्स, मेरे डिजाइन पर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें अलग से हटके खिल के आ रहा है। तो ये देखिए, तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप बताना आपको ये हैंगी टकिंग का वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे जिसने भी मुझे कमेंट किया था वो ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसीलिए आगे भी मैं आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करते रहूँगी। तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट रिक्वेस्टेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉच।